हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 12 है, विद्युत की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स लेके आ चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है आपका, ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल्स वो पार्ट्स में आपको प्रोवाइड होंगे। अब बेसिक जो वर्ड्स में आते हैं, उसके बाद जो परिपथ वाले प्रश्न है सभी में लाऊंगा। चैप्टर 10, 11, 12 जितने भी न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर है ना, सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, बच्चे बहुत डरते, पता नहीं क्यों डरते, बहुत ही सिंपल है, एक एक चीज करके हम सीखेंगे। और तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। सो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। देखो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, अच्छे से पढ़ो, क्या दिया हुआ है वो देखो। जो चीज़ आपको दे रखी है और जो चीज़ आपको निकालनी है, उनमें मिलाकर क्या संबंध बन रहा है, क्योंकि फिजिक्स में ना एक क्वेश्चन को निकालने के कई सारे सूत्र होते हैं। आपको वो सूत्र ढूंढना है जो दिया हुआ है और जो हमें निकालना है, उनसे संबंधित क्या सूत्र होते हैं उसको हमें टारगेट करना होता है। ठीक है, ये चीज ढंग से पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, एक कूलम आवेश, आवेश हमें कितना दे रखा है, एक कूलम दे रखा है। रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। सो देखो बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है, हम हल में आ जाते हैं, हल को अंग्रेजी में सॉल्यूशन बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, दिया हुआ है, हमें जो दिया हुआ है वो हमें प्रॉपर वे में लिखना है। क्या दिया हुआ है, एक कूलम आवेश, ठीक है। सो देखो बच्चों, आवेश को हम क्या बोलते हैं, दूसरा कलम ले लेते हैं, आवेश। आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, एक कूलम दे रखा है, 1C, ठीक है। कह रहे हैं एक कूलम आवेश वाले रचना वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या N, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि आपको निकालनी है, ठीक है। आपको एक सूत्र पता होगा, यहां पर लिख देना, हम जानते हैं, वी नो दैट। तुम क्या जानते हो, आपको पता होगा सूत्र, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है एन ई, ठीक है। यहां पर ई क्या है, आवेश है, मतलब आवेश बोलो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये, ठीक है। हमें एन निकालना है, हमें एन निकालना है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ये बट्टे में इधर के गुड़े में, सॉरी ये गुड़े में इधर बट्टे में आ जाएगा। आगे मान निकालते हैं, यहाँ पर हल करते हैं, एन का मान निकालना है, क्यू हमें क्या दे रखा है, एक दे रखा है, और ई का मान बच्चों, ई का मान क्या होता है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम, ये इसके चार्ज होते हैं। ये आपको पता होगा, ये मान आप यहाँ रख दो, 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको हल करना है, आगे हल करते हैं। सो देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 19, ठीक है। गुड़े में यहाँ कुछ नहीं तो एक है, बट्टे में क्या है, 1.6। अब आपको भाग देना है, ठीक है, ये चीज़ हटाओगे, दशमलव हटाओगे, ऊपर 10 हो जाएगा, 10/16 गुणा यहाँ पर 19 लिख दो, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा और कर सकते हो, एक क्या किया देखो मैंने, 10 × 10^18 लिख सकता हूँ, इसको गुणा में खाते जुड़ती हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, थोड़ा भाग देने में सरल हो जाएगा, 10 × 10 100 हो जाएगा, 100 यहाँ से दशमलव तुमने हटा दिया था, हटाने पे ही 10 बना था, ठीक है। एक दशमलव हटाया, 10 बढ़ गया, और यहाँ 16 हो गया था, और ये 10^18। अब 16 से जब भाग दोगे तुम 100 को, भाग देना सबको आता होगा, अब भाग तो नहीं सिखा सकता मैं, जैसे ही तुम भाग दोगे यहाँ पर ये आ जाएगा 6. दशमलव के दो स्थान तक ले लिया, 6.25, दशमलव के दो स्थान तक ही भाग देना, भाग तो आगे भी जाएगा लेकिन यही लिखना है, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है, जब भी आप आंसर्स निकालोगे उसको परफेक्ट वे में छोड़ना पड़ेगा, दशमलव हमेशा एक स्थान के बाद में लगाना पड़ेगा, सार्थक अंक पे बदल के हमें छोड़ना पड़ता है, ठीक है। सार्थक अंक ये कक्षा 11th में पढ़ोगे फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 1 में मैं आपको सिखाऊंगा आगे चलकर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या चीज़ था, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, हमें क्या दे रखा था, एक कूलम दे रखा था आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, क्यू और एन हमें निकालना है, ठीक है। तो क्यू और एन में ये संबंध बनता है,
क्यू बराबर एन ई, एन निकालना है एन बराबर क्यू बट्टे ई। क्यू का मान हमें क्या दे रखा है, एक कूलम एक रखा, और ई का मान ये होता है पता है, एग्जाम में अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, तो 10^-19। ठीक, फिर ये मान रखा माइनस का 19, ऊपर जाके क्या हो गया प्लस का 19। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाया एक जीरो बढ़ गया, 10 हो गया। इसको तोड़ के लिखा 100 हो गया, 100 को 16 से भाग देंगे ये आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत तकलीफ महसूस हो तो वीडियो को एक बार बैक करके ज़रूर देखें। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है आपका चैप्टर अगर आपको अच्छे से पता है हर एक चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, जोड़ घटाना गुणा भाग, गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए तभी न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक विद्युत बल्ब के तंतु में 1.5 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है, आई दे रखा है ये कि धारा 20 मिनट तक, 20 मिनट, मिनट मतलब क्या समय दे रखा है, टी दे रखा है, परिपथ में प्रवाहित होने वाले कुल आवेश, हमें आवेश की गणना करनी है। आवेश का मतलब क्या बेटा, क्यों की गणना करनी है, आवेश का मतलब क्या, क्यों की गणना करनी है। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट था, हमने क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ते ही हमने देखा कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के ही आइडिया लग गया। अब जो जो दिया हुआ उसको प्रॉपर लिख लो यहाँ पर। ठीक है, क्या दिया हुआ, येलो से लिखते हैं, हमें धारा दे रखी है, धारा दे रखी है 1.5 एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमें दे रखा है समय, ठीक है, धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, लिखना भूल गए थे, समय को टी, ये 20 मिनट दे रखा है, ध्यान रखना 20 मिनट दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, आवेश निकालना है, आवेश क्यों निकालना है हमें। ठीक है, अब आपको सूत्र पता होगा, दो पद्धति चलती है, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। अभी हमारे क्लास 9th-10th में एमकेएस पद्धति चलेगी, लेकिन जब बड़ी क्लासों में जाओगे आपको सीजीएस पद्धति मिलेगी। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, तो ये मीटर मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। ठीक है, आगे चलकर या यहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको पता होगा चूंकि, ठीक है, क्यों निकालना है, तो आई में टी में और क्यू में क्या संबंध होता है, क्यू बराबर आपको क्या होता है, आपको पता होगा क्यू बराबर क्या होता है बच्चों, आई गुणा टी होता है ना, आई गुणा टी होता है, आवेश बराबर धारा गुणा समय। तो धारा आई हमें दे रखा है एम्पियर 1.5, समय हमें 20 मिनट दे रखा है, मिनट को हम सेकंड में बदल लेंगे, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, एक मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मुझे 60 से गुणा कर देना है, तो 1.5, 6 × 2 = 12, पीछे से 2 0। ठीक है, अब हम गुणा कर देंगे इसको, 12 × 5 = 60, हासिल लगा 6, 12 × 1 = 12 और 6 = 18, 0.1 स्थान के बाद, सॉरी अभी 0 मत लगाओ, पीछे से 2 0, 1 स्थान के बाद, तो यह आ जाएगा हल करने पर 1800। आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, मात्रक जरूर लिखना है, मात्रक जरूर लिखना है, कोई संख्या, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। हो गया क्वेश्चन आराम से। सो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले स्टार्टिंग में सिंपल से किया है, इसके बाद ऐसे एकदम से नहीं। कह रहे हैं एक विभांतर, एक विभांतर के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम, एक कूलम आवेश यानी कि क्यू दे रखा है, ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि डब्ल्यू निकालना है, वर्क, ठीक है, कार्य करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और फिर इसमें समझ लो। सो देखो, सबसे पहले प्रॉपर वे में एग्जाम में लिखना, सॉल्यूशन में आ जाएंगे, हल में दिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ बेटा, हमें दे रखा है, सबसे पहले चीज तो देखो क्या दे रखा है, एक विभांतर क्या दे रखा है, प्रॉपर वे में जैसे एग्जाम में लिखना है ना वैसे ही मैं आपको लिखवा रहा हूँ, विभांतर V =
एक वोल्ट दे रखा है, वी फॉर वोल्ट। ये वी फॉर मतलब क्या होता है, वोल्ट। ठीक, विभवांतर दे रखा है। उसके बाद आवेश, आवेश क्यू बराबर हमें दे रखा है एक कूलाम, एक कूलाम। उसके बाद हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, हमें कार्य निकालना है, कार्य डब्लू निकालना है। संबंध क्या होता है वी क्यू डब्लू में, क्या संबंध होता है, डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर होता है क्यू गुणा वी। ठीक है, मात्रक सारे सेम है, क्यू का मान एक दे रखा है, वी का मान भी एक दे रखा है, एक एकम एक। कार्य का मतलब क्या होता है, जूल होता है, जूल का जे से प्रदर्शित करते हैं। इतना सिंपल आंसर है, इतना सिंपल था। मेन सारा जो खेल है बच्चों, सारा खेल है सूत्र का, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, और सूत्र आपको अच्छे से पता हो, गुणा भाग अच्छे से आती हो, बस काम खत्म। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट वी, वी दे रखा है। विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश क्यों दे रखा है, ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी हमने किया है और मुझे पता है ये आप लोग आराम से कर लोगे। मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, बीच बीच में एक आध क्वेश्चन में छोड़ दूंगा, इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करके बताना, मात्रक के साथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 200 वोल्ट अंकित है, W का मात्रक क्या है, 100 वाट। वाट किसका मात्रक होता है, W किसका मात्रक होता है, शक्ति का। शक्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, पावर। 200 V, V, V किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। V दे रखा है, अंकित है। इसका प्रतिरोध क्या होगा, R निकालना है। प्रतिरोध को हम किससे दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, यही मेन चीज़ है। और फिर इसमें संबंध लगाओ, सूत्र लगाओ। सबसे पहले देखो बेटा मैं क्या दे रखा है, प्रॉपर वे में लिख देंगे दिया है। क्या दिया हुआ है, विद्युत बल्ब पर शक्ति, विद्युत बल्ब की शक्ति कितनी है, शक्ति की बोले तो पी, पावर 100 वाट, 100 वाट का है। और विभवांतर क्या दे रखा है बच्चों, विभवांतर वी बराबर दे रखा है 200 वोल्ट। ठीक है, ये चीज दे रखा है। और हमें प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज हमें निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब इनमें सूत्र क्या होता है, ठीक है, इनमें सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, जो पी होता है ना बच्चों, वो होता है वी स्क्वायर बट्टे आर। ठीक है, आर निकालना है, आर इधर गुणे में आ जाएगा और ये बट्टे में आ जाएगा, तो वी स्क्वायर बट्टा पी। ठीक है, V का मान क्या दे रखा है, 200 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणे में, और बट्टे में P, P का मान क्या है बच्चों, 100 दुनी 200, 2 दुनी 4, 400 आ गया। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम को ऐसे लिखते हैं, उल्टा क्यों की तरह बनाते हैं ऐसा। आराम से हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक नहीं हुएगी, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है, और फिर उनमें हमें संबंध पता होना चाहिए, क्या सूत्र पता होना चाहिए, बस। और फिर कैलकुलेशन आ जाता है। सो देखो बच्चों, 4 ओम, ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न करे, ऊष्मा, जूल एक तो मात्रक होता है कार्य का, और यहाँ ऊष्मा की बात कर रहे हैं, तो ये हमें एच दे रखा है, हीट, एच दे रखा है। प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें आई निकालना है। ठीक है, तो जो सूत्र होता है, ठीक है, ओम का सूत्र होता है ना, वो एच बराबर होता है, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर, एच
बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर, और गुणे में क्या लगता है टी लगता है। ये सूत्र आपको अच्छे से पता होगा। अब हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। तो देखो ये आर टी गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आई स्क्वायर, आई का मान निकालना है तो यहाँ पर लग जाएगा वर्गमूल एच बट्टे आर टी। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सूत्र हो गया। अब इसको आगे हल कर ले, इसको आगे हल कर लेते हैं। अंडर रूट के अंदर एच का मान हमें क्या दे रखा है, 100। आर आर हमें दे रखा है 4 प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब होता है एक सेकंड, यानी कि जो टाइम हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक सेकंड दे रखा है प्रति सेकंड, यानी कि एक। ठीक है, और इधर क्या है बच्चों, आई, कैपिटल आई लिखो स्मॉल आई लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, 4 × 4 100 को भाग देंगे आ जाएगा 25। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5। आई कम आई धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ये क्वेश्चन हमारा आंसर बन गया। अभी बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते। कह रहे हैं 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। डिक्टो पहले वाले की तरह ही है, उसमें आई बोला था, इसमें ऊष्मा यानी कि एच निकालना है। इतना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्या दे रखा है, 20 ओम, यानी कि ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का, आर दे रखा है। स्त्री 5 एम्पीयर, एम्पीयर किसका मात्रक होता है, धारा, धारा का आई से वर्धित करते हैं। ठीक है, 30 सेकंड टी दे रखा है हमें, 30 सेकंड कितना कितना उत्पन्न करेगी ऊष्मा, यानी कि हमें एच निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों, एच निकालना है। लिख दो हम क्या दिया हुआ है, अब आपको सूत्र लगाना है। हम जानते हैं सूत्र एच बराबर क्या होता है बेटा, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, यही होता है। आई हमें क्या दे रखा है, 5, 5 का वर्ग। आर हमें क्या दे रखा है, 20। टी हमें क्या दे रखा है, 30 सेकंड। ओके, 25 गुणा 20 गुणा 30, 25 दो तीन 6 पीछे से 00, 25 छंग 150 पीछे से 20। ठीक है, तो एच ऊष्मा का मात्रक क्या होता है बच्चों, जी जो, इतना आपका आंसर आ जाएगा। बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरे से 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी विभवांतर दे रखा है वी। ठीक है, संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर, धारा तो दे रखा है लेकिन मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर को हमें एम्पियर में बदलना पड़ेगा, ध्यान रखना। विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए, हमें आर के मान को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं। दिया है जो विभवांतर है, प्रॉपर वे में लिख दे रहा हूँ इसको, विभवांतर V बराबर दे रखा है हमें 12 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद धारा, विद्युत धारा I बराबर दे रखा है हमें, I बराबर दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। कितना गुणा पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 10^-3। अब ये एम्पियर में बदल गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध आर हमें निकालना है, प्रतिरोध को आर से प्रतिरोध करके आर हमें निकालना है। अब ये चीज हमें दे रखी है, बी दे रखा है, आई दे रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है बच्चों, आर निकालना है। सूत्र क्या होता है, बी बराबर आई आर होता है, ओम के नियम से बी बराबर क्या होता है, आई आर। हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो ये आई गुणे में इधर के बट्टे में हो जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हो ओम के नियम से, ओम के नियम से बी बराबर आई आर होता है। ठीक है, सो मान रख दीजिए यहाँ पर, बी का मान हमें क्या दे रखा है, 12,
और आई का मान दे रखा है 2.5 × 10^-3। अब इसको हल करना भी मैंने सिखाया था, 10^-3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, बट्टे में 2.5। ठीक है, तो इधर हमें हल करना ही है। अब दशमलव हटाएंगे, यहाँ ज़ीरो बढ़ जाएगा। 120 को भाग दे दो किससे, 25 से। 25 × 100 चार बार जाएगा, ठीक है, दशमलव लगाएंगे ज़ीरो बढ़ जाएगा, 25 × 8 = 200, ज़ीरो। तो ये इसको हल किया, 4.8 × 10^3, ये आ गया आर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक, आर है ना, हाँ, प्रतिरोध का मात्रक ओम। आराम से हो गया। किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट या दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, हो गया आराम से, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कोई विद्युत बल 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 220 वोल्ट यानी कि हमें क्या दे रखा है, ये वी दे रखा है, विभवांतर। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर यानी कि धारा दे रखा है आई, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति पी की गणना करनी है, बल्ब की शक्ति की गणना करनी है हमें। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी, मात्रक से ही पता लग जाता है कि वो हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले जो चीज हमें दे रखा है वो दे रखा है वी। अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, ठीक है, वी दे रखा है हमें 220 वोल्ट। उसके बाद धारा आई 0.5, उसके पीछे 0.0 लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, एम्पियर सही मात्रा के। और हमें पी की गणना करनी है, शक्ति की गणना करनी है। चूंकि पी बराबर, हमें सूत्र पी बराबर निकालना है, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है वी इंटू आई, वी इंटू आई, ये सूत्र होता है आपका। देखो अगर आपको कोई सूत्र नया लगे तो फटाफट नोट डाउन कर लेना आप आराम से, ठीक है, कॉपी बनाओ एक नोट डाउन कर लो आराम से, पी बराबर वी आई। ठीक है, आगे यहाँ से करेंगे। सो पी, वी हमें दे रखा है 220 और आई दे रखा है 0.5, 22 × 5 = 110, पीछे 0.1 स्थान के बाद, तो पी का मान आ जाएगा 110। पावर शक्ति का मात्रक वाट, डब्लू 110, ठीक है, 110 वाट आ जाएगा आपका आंसर। आराम से हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, किसी परिपथ में 5 मिनट बोले तो समय है ना, समय यानी कि टी दे रखा है, 5 मिनट, मिनट को फिर सेकंड में देना होगा, 60 कूलम यानी कि आवेश क्यों दे रखा है, परिपथ में धारा की गणना कीजिए यानी कि आई निकालना है। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, समय टी बराबर 5 मिनट, तो 5 मिनट को 60 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा सेकंड, 5×6 = 300 सेकेंड आ जाएगा, ये हमें समय दे रखा है। उसके बाद हमें और क्या दे रखा है, आवेश क्यों हमें दे रखा है 60 कूलम। ठीक है, उसके बाद हमें धारा की गणना करनी है, हमें आई निकालना है। देखो जो चीज़ दे रखी है उनमें सूत्र क्या बनता है, क्यू आई टी, हमें क्या निकालना है, आई। आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, क्यू बराबर आई टी होता है, हमें क्या निकालना, आई, तो क्यू अपॉन टी हो जाएगा। क्यू हमें दे रखा है 60, टी हमें दे रखा है 300, ठीक है। सो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, 3 × 3 = 0, 3 × 2 = 2, तो 2/10, 2/10 यानी कि 0.2 I। धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर। सो ये एम्पियर,
ठीक है, होगा। अभी हमने 11 प्रश्न डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी प्रश्न डिस्कस करेंगे। मैं प्रश्न एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको समझ पाए। इसके बाद के प्रश्न थोड़े बड़े बड़े हुए हैं। अभी जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए सारे दो दो नंबर वाले थे, और आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो बड़े बड़े नंबर के होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर अपना प्यार और सपोर्ट दें। ठीक है, और वो पार्ट टू होगा। पार्ट थ्री में आपको सर्किट, जो परिपथ वाले प्रश्न कैसे सॉल्व किए थे, एकदम आसानी के साथ समझाऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।